बेसिक इक्वेशंस हैं जो हमें डील करनी है। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, टैन थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। और फिर अगली तीन इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जब अल्फा की वैल्यू आपको पता होगी तीन ही होगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा। ये छह इक्वेशन हैं जिसका हमें अच्छे से समझ होनी चाहिए कि इनके सोल्यूशन किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि जो भी हमें सिचुएशन दी गई होगी, कोई भी बड़ी इक्वेशन हमें दी होगी, हम उसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद, तोड़ने के बाद जब छोटे छोटे फैक्टर होंगे वो इसी रूप में आते हैं, और इसी रूप में आने के बाद जब इनका सोल्यूशन हमें पता होगा तो हम उनके सोल्यूशन को तुरंत डिफाइन कर सकते हैं। और उस तुरंत डिफाइन करने का फायदा ये होता है कि उसके जो सोल्यूशन हैं उनको हम किस प्रकार से जनरलाइज करते हैं, तो जनरलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और कोई जनरलाइज होने वाली सिचुएशन नहीं है तो हम बोलते हैं यूनियन ऑफ दीज सेट ऑफ एंगल्स, उस प्रकार से फिर हम उसको वहां पे एज अ सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स डील वन बाय वन हियर। फर्स्ट इक्वेशन इज साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब हमें अच्छे से पता है कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो ये कब कब जीरो होगा, ये जीरो पे जीरो होगा, ये पाई पे जीरो होगा, ये टू पाई पे जीरो होगा, थ्री पे जीरो होगा, फोर पाई पे जीरो होगा, तो पाई का जब भी मल्टीपल आएगा ये एंगल जीरो होगा, ठीक है। अब ये पाई के मल्टीपल चाहे पॉजिटिव हो, पाई के मल्टीपल से चाहे निगेटिव हो, तो दोनों ही तरीके से आपको ये देखना है कि व्हेनेवर थीटा इज इक्वल टू एम पाई एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने एन के टर्म्स में इसको डिफाइन किया, क्योंकि हमने एन के टर्म्स में इसको डिफाइन किया, ये क्या हो गया, ये खुद इसका जनरल सॉल्यूशन हो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब किसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगे तो कैसे दिए जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जीरो एंड ये दो तरीके, टू पाई टू जीरो वापस, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप उसको बना सकते हैं इनकी वैल्यूज को यूज करके, जो एंगल जीरो से टू पाई के बीच में आ रही है वो सारी वैल्यूज आप वहां पे, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये होगी साइड में लिखते जाता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई, और इस सब में एन बिलोंग्स टू इंटीग्रल, ये था